उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 का सेम ही सवाल है, आपने सम टू एन टर्म्स करना है। जब एन टर्म्स तक करना है, अब यहाँ पे आपको रेंज बताने की जरूरत नहीं है, मतलब समीशन के इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सिग्मा नोटेशन लिख दोगे काफी है, क्योंकि आपको पता है एन टर्म तक जाना है, तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है वन से लेके फलाना फलाना, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, एक में स्क्वायर है, सिमिलर है, एक में स्क्वायर है, एक में क्यूब है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर लेंगे हम, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7। अच्छा यहाँ पे ना ये इनका कोई पॉइंट का मतलब मल्टी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको दो दो तीन तीन पॉइंट नहीं नजर आते, पॉइंट एक ही होता है, तो पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले वही आप काम करो, लेट सम इसका 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7 और मार्कर है, लेकिन वो मेथड में हल्का लिखेगा, लेकिन गुजारा कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है बच्चों, यहां पे सबसे पहले आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे होगा ये, अच्छा ये आगे तक जाएगा पूरा, यहां पे करना आपने ये है कि एन टर्म्स तक अगर आपने सम करना है ना, तो देखो समीशन नोटेशन आप यूज कर लोगे, लेकिन आपको जनरल टर्म पता होनी चाहिए, जनरल टर्म पता होगी उसमें वन से लेके एन तक आप सम कर लोगे यहां पे। अब सवाल लेके सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालनी है, अगर आप डायरेक्ट जनरल टर्म निकाल सकते हो सही है, अगर नहीं निकाल सकते तो यहीं पे कंसीडर कर लो या रफ वर्क में कर लो, आपकी मर्जी है। आप तीन सीक्वेंस आपको नजर आ रही है ना, 1, 2, 3, तो ये आप अलग कंसीडर कर लो, तो आप कंसीडर कर लो सबसे पहले किसको, 1, 2, 3 अप टू एनएस टर्म तक आपने जाना है। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ए यहां पे 1 है, कॉमन डिफरेंस भी यहां पे 1 है, तो जनरल टर्म क्या होगी, जैसे इसकी जनरल टर्म एन ही होगी ना, हाँ हाँ, इसकी तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी जनरल टर्म एन ही है, लिख दो आप ऐसी। फिर क्या है, 3, 4, 5 इसकी जरा कंसीडर करो, 3, 4, 5 अब तो कहां तक जाना है आपने, एनएस टर्म तक जाना है, तो इसमें चेंज होगी, ए 3 है, डी 1 है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 3 + n - 1, डी यहां पे वैसे भी नहीं है, तो इसकी जनरल टर्म हो जाएगी n + 2, ये जनरल टर्म है इसकी, जाहिर सी बात है आप स्टार्ट 3 से कर रहे हो, तो 2 यूनिट आगे से आप स्टार्ट कर रहे हो, और फिर 5, 6, 7 अगेन निकालना चाहो या ना निकालना चाहो, लेकिन बड़ा इजी है, इसका जनरल टर्म जो है ना वो हो जाएगी n + 4, क्योंकि आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जब आप 1 पुट करोगे 1 + 4, 5, 2 पुट करोगे 2 + 4, 6, तो ये इसकी जनरल टर्म हो जाएगी। वंस आप जनरल टर्म निकाल लो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसकी सम जो जनरल टर्म आपके पास आई है ना, ये जो पूरी सीरीज है, इसको आप लिखो समीशन नोटेशन में किस तरीके से, आप यहां पे लिखोगे सबसे पहले सिग्मा, और आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है वन से लेके एन तक, क्योंकि आपको पता है खाली सिग्मा लिखा उसका मतलब यही होता है, आप जस्ट जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म किस तरह लिखोगे, ये जो 1, 2, 3 इनकी है, इसकी एन है पॉइंट, मतलब मल्टीप्लीकेशन में शो कर रहा है, फिर दूसरी जो है ना 3, 4, 5 इसकी क्या है n + 2 मल्टीप्लाई, फिर तीसरी उसकी क्या है n + 4। आप ये पॉइंट दरमियान में सॉरी मल्टीप्लाई का निशान लिखो ना लिखो, आप खाली ब्रैकेट लिख रहे हो एक ही बात होती है, लेकिन बस मुझे बताने के लिए कि जो तीन चीजें मैंने लिखी है ना, ये इन्हीं की जनरल फॉर्म है, ये जो सीरीज आपके पास है ना, इसकी जनरल टर्म आपके पास आ गई है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल एन की जगह 1 पुट करो, तो हो जाएगा 1, 1 + 2, 3, 1 + 4, 5 फिर 2 पुट करो, 2, 2 + 4, 6 ये वाली आ जाएगी, तो जनरल टर्म आपने निकाल दी। वंस आप जनरल टर्म निकाल लो ना, जब उसके बाद आप आपने इसको सिग्मा के जरिए से सॉल्व करना है। सिग्मा के जरिए से कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई किस तरह करोगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो एन स्क्वायर, एन को 4 से करोगे 4n, 2 को n से करोगे 2n, तो ये हो जाएगा 6n, 2 को 4 से करो 8, उसके बाद n को n से मल्टीप्लाई करो n क्यूब, n को 6n से करो 6n स्क्वायर, n को 8 से करो 8n। अब तीन टर्म है, आपको पता है सिग्मा एक लीनियर ऑपरेटर है, तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो सिग्मा सबसे पहले आप अप्लाई करो एन क्यूब के ऊपर, ये आ गया, फिर है 6n² तो 6 को बाहर करो और एन स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर दो, फिर लिखा हुआ 8n तो 8 को बाहर करो और अप्लाई कर दो आप एन के ऊपर,
अब ये तीनों फॉर्मूले आपको पता है, यहां तक आपने काम करना होगा इनमें, तीनों फॉर्मूले आपको पता है, अब आप सॉल्व कर लो। एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, जबकि यार आप डायरेक्ट लिख दो इसमें, वैसे ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला होता है, तो आप स्क्वायर ले लो इसका, स्क्वायर लोगे तो ये होगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे जो टू है उसका स्क्वायर करोगे फोर। सिक्स को अपने जवाब रहे तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और एट को साइड पर रखो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो सॉल्व करो इसके सिक्स से वाला सिक्स कैंसिल, टू वन जा टू, टू फोर जा एट। अब जरा देखो सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो रहा है, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। अच्छा ये क्या है, ये बच गया एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, और ये क्या है फोर एन एन प्लस वन, ये आपका डिसीजन आ रही है। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में वन वन है, तो एलसीएम तो सिंपल फोर ही आएगा, और सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है कि फोर नीचे लिखो, इसका न्यूमरेटर एज इट इज आप लिख दो, और इनको आप फोर से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले को फोर से मल्टीप्लाई करो और इसको फोर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो एन प्लस वन और एन, ये सब में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो, तो एन और एन प्लस वन ये सब में कॉमन आ रहा है तुम्हें, ऊपर भी आप निकाल सकते थे, इस स्टेप में भी निकाल सकते थे, लेकिन इससे स्टेप से निकाल लो कोई इशू नहीं है। तो पहले टर्म से क्या बचेगा, पहले टर्म में से एक एन बचेगा और एक एन एन प्लस वन बच जाएगा, दूसरी टर्म में एक फोर बचेगा और टू एन प्लस वन बचेगा, तीसरी टर्म में एक तो 16 बचेगा और बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। और एक काम करो इस 4 को भी बाहर लिख लो, सिंप्लीफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में ये सीधे। अब आप इसको सॉल्व करो जो ब्रैकेट में लिखा है, तो n n प्लस वन अपॉन फोर अपनी जगह पे है, जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 16। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस 20। अभी जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई हुई है ना, ये सिंप्लीफाई हो सकती है अगर आप इसको मिड टर्म ब्रेक करोगे ना। अब इस लेवल पे आपको मिड टर्म ब्रेक करने के स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रफ फॉर्म में करो या इसके ऊपर कर लो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। इसको अगर फ्रैक्टराइज करोगे तो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5n प्लस 20, मतलब 4 और 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे। एन कॉमन लो एन प्लस 4, यहां से 5 कॉमन लो अगेन एन प्लस 4, तो एक फैक्टर आएगा एन प्लस 4, एक फैक्टर आएगा एन प्लस 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सम का फॉर्मूला आ जाएगा एन एन प्लस 1, एक फैक्टर होगा एन प्लस 4, एक फैक्टर होगा एन प्लस 5, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, ये इनके सम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एन के फॉर्मूले में 3 पुट करोगे तो शुरू की 3 टर्म का सम आ जाएगा, और चेक करना चाहो तो कर लो, इसकी पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 15, दूसरी टर्म क्या है 2 4 8 8 6 48, और तीसरी टर्म क्या है 15, 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 105, जरा सॉल्व करो 120, ये 168 आ रहा है, और आप इसके अंदर पुट कर लो n की जगह 3 168 आ रहा होगा, 3 पुट करो 3 4 7 और 3 पुट करो 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा क्या होता है 84 होता है आई गेस, वेर इज माई कैलकुलेटर मैन, अच्छा बुक के नीचे, 12 7 जा तो 84 होता है, और उसको मल्टीप्लाई करो 8 से तो आंसर आएगा 672, 672 को 4 से डिवाइड करो 168 आ रहा है। तो ये फॉर्मूले का काम है, आप देखो इसमें अलग अलग आप सबको सॉल्व करो ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल 20 टर्म तो 20 लिखोगे फिर करोगे डायरेक्ट फॉर्मूले 20 पुट कर दोगे आपके पास शुरू की 20 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 6 एक जैसे थे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको यार ट्राई कर लेना आप लोग, चलो मैं करवा देता हूँ यार, फिर मसला ना बने आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आओ तो आपके पास लिखा हुआ है 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, और ये पैटर्न चलता जा रहा है, ठीक है। तो मालूम किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप लेट कर लो, ये सम जो है ये है 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, ये जा रहा है आपने, तो जनरल टर्म आप यहां पे निकाल लो, तब समीशन नोटेशन में हम लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगी, ए 1 है, बी जो है वो यहां पे 2 है, जनरल टर्म होती है a प्लस एन माइनस वन डी, तो 2 को एन से मल्टीप्लाई करो 2n, 2 को माइनस वन से करोगे माइनस टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी।
तो इसी सम को समीशन नोटेशन में आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सिग्मा 2n-1। अगेन 1 से लेके n लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाली समीशन नोटेशन का मतलब यही होता है। बस आपने जनरल टर्म लिख दी है और यहां पे आप क्यूब लगा दो, क्योंकि ये जो जनरल टर्म निकाली है ना, ये क्यूब से नीचे जो लिखा हुआ है ना 1, 3, 5, उनके जनरल टर्म है। इस वाली सीरीज की जनरल टर्म लिखनी है तो आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब, अगर 2 पुट करोगे 3 का क्यूब आ रहा है, 4n की जगह पुट करोगे तो 3 पुट करोगे 3 2 6 6-1 5 का क्यूब। तो ये सीरीज की जनरल टर्म आ गई है। अब जब आप इसको ऐड करोगे यूजिंग समीशन नोटेशन तो अब आपके पास सम की जनरल टर्म आ जाएगी। अभी तो सीरीज की जनरल टर्म आई है ना, फिर सम की जनरल टर्म आ जाएगी। तो किस तरह सॉल्व करोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसको करना। ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 8n³ - 3 12n² हो जाएगा। ये मतलब फॉर्मूला होता है ना 3a² b - 3a² b। तो 3 अपनी जगह पे, ए स्क्वायर क्या होगा 4n² को 3 से करोगे -12n² बी तो बन गया। फिर होता है 3ab² तो 3 को 2n से मल्टीप्लाई करो 6n, तो 6n हो जाएगा। फिर एंड पे होगा 1। तो ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे ये आपके पास आ जाएगा। अब आप अलग अलग अप्लाई करो, 8 और सिग्मा नोटेशन n क्यूब, फिर -12 सिग्मा नोटेशन n स्क्वायर, फिर 6 को बाहर करो सिग्मा नोटेशन n, और फिर आप सिग्मा नोटेशन 1 पे कर दोगे। ठीक है यार, इसके बाद कर लो, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें वही काम करना है, n क्यूब का फॉर्मूला, n स्क्वायर का फॉर्मूला, n का फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है वही आपने कॉमन जिस तरह मैंने सवाल में किया वैसे ही करना है आपने। अगर ये मसला हो कहीं फंसो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, वही काम करना है आपने। 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9, बस जनरल टर्म इनकी अलग होंगी। जैसे पहली है 1, 3, 5, इसकी जनरल टर्म जब आप निकालोगे तो 2n-1 होगी, और 2n-1 होगी शायद, देख लेना इसकी। फिर दूसरी है 3, 5, 7, 3, 5, 7 की निकालोगे तो 2n+1 होगी शायद, 2n+1 होगी। और फिर है 5, 7, 9, 5, 7, 9 की देख लेना, 5, 7, 9 में a5 है और 2n-2n+3 हो जाएगी शायद। हाँ, तो ये बस जनरल टर्म का फर्क है, बाकी जो मल्टीप्लाई करोगे अगेन वही चीजें आ रही होंगी, उसी तरीके सॉल्व करोगे, कोई नई चीज नहीं है। 10 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उस पर जरा आ जाते हैं। 10 में आपके पास लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर .. अब देखो इसमें ये जो आपके पास लिखी हुई है ना, सबसे पहले तो बेसिक स्टेप करते हैं, आप लेट कर लो कि जो सम है वो किसके बराबर है, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये जो आपके पास सीरीज लिखी हुई है ना, इसमें हर टर्म में एक सीरीज आ रही है, ये समझ लो आप कि पहले टर्म में 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चौथी टर्म में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दसवीं टर्म में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर, 100 टर्म में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 100 का स्क्वायर, तो nth टर्म में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू nth टर्म का स्क्वायर। ये तभी मैंने पूरा आपको तमहीद मानी थी। तो जो इसकी आखिरी टर्म होगी ना, वो ये होगी, बिल्कुल आखिरी टर्म जो होगी, आखिरी टर्म होगी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू nth टर्म का स्क्वायर। वो nth टर्म है ना, जो नंबर ऑफ टर्म होती है वहां पे खत्म होता है। अगर दूसरी टर्म है तो 2 पे खत्म हो रहा है, तीसरी टर्म में 3 पे खत्म है, दसवीं टर्म होगी 10 पे खत्म होगा, मतलब 10 के स्क्वायर पे। तो जो nth टर्म होगी उसमें खत्म कहां पे होगा, स्टार्ट तो 1 से होगा, खत्म का स्टार्ट सब में 1 से हो रहा है, 1 से स्टार्ट, खत्म उस पे होता है जो नंबर ऑफ टर्म है। तो जो nth टर्म होगी उसमें स्टार्ट 1 से होगा, लेकिन खत्म किसके ऊपर होगा, n स्क्वायर के ऊपर होगा। तो इसकी nth टर्म ये वाली है, ठीक है। अब ये nth टर्म निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप डिस्कस कर लो यहां पे जो इसकी nth टर्म है, ऊपर ना लिखो बेशक, नीचे डिस्कस कर लो आप, तो जो इसकी nth टर्म है वो ये वाली होगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर। और अगर आप ऑब्जर्व करो ये nth टर्म तो इसके बराबर है, ये तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये चीज तो आपने देखी हुई पहले,
जो इसकी आखिरी टर्म है, जो इसकी nth टर्म है, मैं सम की बात ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ जस्ट आखिरी टर्म की बात करो, सम तो होगा ना कि जब सब टर्म्स को आपस में ऐड करोगे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट आखिरी टर्म की बात कर रहा हूं, आखिरी टर्म ही होगी। तो आखिरी टर्म को अगर आप सम करो, सिर्फ आखिरी टर्म की सम की बात कर रहा हूं, ये आखिरी टर्म है, इसको जब सम करोगे इसका फॉर्मूला ये है, तो जो इसकी nth टर्म है ना उसके सम का फॉर्मूला ये है। जरा इस बात को गौर से समझो, आपको सिग्मा में चाहिए होती है nth टर्म, यही चाहिए होता है ना, सिग्मा में क्या चाहिए होती है nth टर्म, जैसे यहां पे nth टर्म क्या थी, ये वाली जो इसकी आखिरी टर्म है nth टर्म, जो आप क्या लिख सकते हो 2n माइनस 1 का होल क्यूब, तो जो इसकी आखिरी टर्म है वो ये है। और इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करो, अब आखिरी टर्म को आप इस फॉर्म में तो नहीं रहने दोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जो आखिरी टर्म है उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ रही होगी। तो जस्ट लाइक जैसे यहां पे nth टर्म आती थी ना, यहां पे भी वैसी nth टर्म आई है, बस थोड़ा सा आपको यहां पे डिफरेंट काम करना पड़ा है, nth टर्म ऑलरेडी एक सीरीज थी, उसको जब आप सम किया तो आपको पता चल गया कि nth टर्म आपकी ये वाली है। जैसी आपको nth टर्म मिल गई, अब वही काम करोगे, सिग्मा में पुट कर दोगे, तो सिग्मा सम किसके बराबर होगा, सिग्मा nth टर्म, nth टर्म क्या है यहां पे, ये वाली है, ठीक है। तो जो आखिरी टर्म है, जो nth टर्म है, वो यहां पे आपने लिख दिया। इस वाली का मतलब क्या है, nth टर्म का वैसे मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे वन पुट करोगे तो पहली टर्म आएगी, टू पुट करोगे दूसरी टर्म आएगी, वही काम इसका। आप यहां पे सबसे पहले वन पुट करो, इस पूरे फॉर्म में वन पुट करोगे ना, देखना वन आ रहा होगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, टू थ्री सिक्स, देखो वन आ रहा है, ये पहली टर्म आ रही है। फिर यहां पे अगर टू पुट करो, टू टू प्लस वन थ्री, ये सिक्स हो जाएगा, सिक्स से सिक्स कैंसिल, यहां पे टू पुट करो, फोर प्लस फाइव, फाइव आ रहा होगा। तो अब दूसरी टर्म देखो, वन और टू के स्क्वायर को एड करो, फाइव आ रहा है। तो ये जो nth टर्म है ना, वही जैसे पहले होती थी वही काम कर रही है ना, अगर आप n वन पुट करोगे तो पहली टर्म, टू पुट करोगे दूसरी टर्म, टेन पुट करोगे दसवीं टर्म, ठीक है। तो ये जो nth टर्म है वो आपने सिग्मा में पुट कर ली है, अब आप इसके सम का फॉर्मूला निकालने लगे हो, मतलब सम की nth टर्म आप निकालने लगे। तो कैसे निकालोगे, जैसे पुराने मेथड आप यूज करते हो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग कर लो, पहले तो न्यूमरेटर को करो एन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, और जब डिवाइडेड बाय सिक्स, और जब आप इस n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह n क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस n, और आप काम करो एलसीएम ब्रेक कर दो, इसके नीचे भी सिक्स, इसके नीचे भी सिक्स, इसके नीचे भी सिक्स, तो दो काम आपने डायरेक्ट कर दिए। अब बिल्कुल सिंप्लीफाई करो, तो पहली टर्म है n क्यूब अपॉन सिक्स, दूसरी टर्म है n स्क्वायर अपॉन टू, तीसरी टर्म है n अपॉन सिक्स। अब आपने क्या करना है, आपने तीनों टर्म पे अलग अलग समीकरण का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो अप्लाई करो बच्चों, सबसे पहले पहली टर्म पे अप्लाई करो, ये जो 1 अपॉन 6 है इसको बाहर कर देते हैं और n क्यूब को अंदर लिख दो, फिर दूसरी टर्म में जो 1 अपॉन 2 है इसको बाहर कर दो और अंदर n स्क्वायर लिख दो, तीसरी टर्म में 1 अपॉन 6 को बाहर कर दो और अंदर n लिख दो। अब इन सबके फॉर्मूले आपको पता है, n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, n क्यूब का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एन स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। सिंप्लीफाई हो रहा है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है, एन स्क्वायर ऊपर अभी सिंप्लीफिकेशन ना करो आप लोग, नीचे आ रहा है 24, अच्छा ऊपर तो ये ब्रैकेट है, नीचे क्या आ रहा है 2 4 2 6 12, और यहां भी ऊपर ये ब्रैकेट्स हैं और नीचे आ रहा है 12, तो 12 24 12, तीन डिनोमिनेटर है, एलसीएम यहां पे 24 ही है, तो अब यहां पे 24 एलसीएम मिलोगे। अब आप सिंप्लीफाई करो, कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप देखो सब में n आ रहा है, सब में n प्लस 1 आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया ये, और 24 को भी ले लो आप साइड पर रख लो, आप पीछे क्या बच रहा है, पहली में से n बच रहा है और n प्लस 1, दूसरी में से 2n प्लस 1, और तीसरी में से तो बेचारे में 1 बच रहा है, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि सिंप्लीफाई करो आप लोग, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू, तो सिंप्लीफाई करो, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन प्लस टू, एन कॉमन लो एन प्लस टू, प्लस वन कॉमन लो एन प्लस टू, तो सिंप्लीफाई करो, एक फैक्टर आ रहा है एन प्लस वन,
तो वो वाला एन प्लस वन इससे मल्टीप्लाई आगे स्क्वायर हो जाएगा और एक होगा एन प्लस टू और डिनोमिनेटर में 24 आ रहा है। ये बच्चों आपकी इस पूरी सीरीज के सम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, आप यहां पे अगर वन पुट करोगे तो वन ही आंसर आ रहा होगा, अगर आप टू पुट करोगे तो शुरू की दोनों टर्म का सम आ जाएगा, आप थ्री पुट करोगे शुरू की तीन टर्म का सम आ जाएगा, और इस तरह आप जो भी पुट करना चाहो आप कर सकते। अच्छा बच्चों मैंने सवाल सॉल्व किए, एक मिस्टेक है यहाँ पे, आंसर में 12 आ रहा है और वो मिस्टेक यहाँ पे मैंने की भी है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 2n स्क्वायर होगा, जब n को 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर होगा ना, और बाकी तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे 2n क्यूब आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे नीचे 3 बचेगा, बाकी दो टर्म एग्जैक्ट सेम है। फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो सबका सेम ही है। तो एलसीएम भी यहाँ पे 12 आएगा, कॉमन भी आप यहाँ पे 12 लोगे, इधर भी 12 आ जाएगा, इधर भी 12 आ जाएगा और इधर भी 12 आ जाएगा। वैसे मैंने एलसीएम भी गलत दिया है, वैसे इस फॉर्म से जो गलती की है ना वो कवर हो गई है, माना एलसीएम यहाँ पे अगर मैं 24 लेता ना तो इससे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता, इससे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता। बहरहाल तो ये करेक्ट है, एलसीएम यहाँ पे 12 आ रहा है, तो जब सबका डिनोमिनेटर 12 है तो बड़ा इजी काम होता है, सबके न्यूमिनेटर आपस में आप ऐड कर दो, तो मैंने गलती भी बता दी है, ये इसका पूरा करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद बच्चों 11 12 भी एक जैसे ही है, मैं फिर भी तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फॉर एग्जांपल 11 करवा देता हूं मैं। अब पहले आपके पास सीरीज होती थी, उनके आप जनरल टर्म निकालते थे फिर सिग्मा में पुट करते थे, यहां पर ऑलरेडी जनरल टर्म आपको दे दी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सम निकालने के लिए बस सिग्मा अप्लाई करो और सॉल्व कर लो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11 में आपको जनरल टर्म क्या गिवन की हुई है, 2n-1, 2n² - 2n+1, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जनरल टर्म को पहले। ये हो जाएगा 4n³ - 4n² + 2n, फिर -2n² + 2n-1, तो 4n³ - 6n² + 4n-1, ये इसकी जनरल टर्म आ रही है, ठीक है। तो खैर आपको तो जो सीरीज है जिसके जनरल टर्म गिवन है उसका सम मालूम करना है आपको, तो सम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लो सम किसके बराबर होगा, ये जो जनरल टर्म है इसका जब आप सिग्मा ले लोगे तो वो बराबर हो जाएगा सम के। अगर आप इस सीरीज को, इस जो सीरीज है ना, इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आपकी कौन सी सीरीज है, आप वन पुट करो, 4 - 6 - 2 - 2 + 4 - 2 - 1, पहली टर्म 1 है दूसरी टर्म क्या होगी, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, 4 4 से 24, ये हो जाएगा 8, तो 40 - 24 = 16, 16 - 1 = 15, तो दूसरी टर्म इसकी 15 आ रही है, तो इस टाइप की एक सीरीज चलती हुई आ रही है। तो जब उसका आप सम का फॉर्मूला निकालोगे ना, तो जब उस सम के फॉर्मूले में जब आप 2 पुट करोगे तो शुरू की दो टर्म का सम 16 है, तो देखना हो रहा होगा यहाँ पे। बल अलग करते हैं इसको बच्चों, 4 को साइड पे करो ये हो जाएगा n³ - 6 को साइड पे करो ये हो जाएगा n² 4 को साइड पे करो ये हो जाएगा n और फिर एंड पे आप सिग्मा लोगे 1। तो n³ का फॉर्मूला क्या होता है, n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, इसका फॉर्मूला होता है n n+1 / 2 और इसका फॉर्मूला n हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसकी अपर लिमिट लिख नहीं रहा क्योंकि अपर लिमिट n ही है यहाँ पे, तो जो n है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n ही आ जाएगा। ये वही बात है, 1 को आप n दफा ऐड करो, 1 को 2 दफा ऐड करोगे 2 आंसर आएगा, 1 को 10 दफा ऐड करोगे 10 आंसर आएगा, 1 को n दफा ऐड करोगे तो n आएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यार आप लोगों को भी कैंसिल करने में क्या मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है जब चीजें कैंसिल हो रही होती है ना, बड़ा सुकून मिलता है। बहरहाल तो ये है n² n+1² अच्छा ये है n n+1 2n+1 अच्छा ये है 2n n+1 और ये है -n। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो n सब में कॉमन आ रहा है, वैसे तो n+1 कॉमन आ रहा था लेकिन आखिरी टर्म को भी कंसिडर करना है हमने, तो n कॉमन आ रहा है सब में से, तो n कॉमन ले लो, तो और के पीछे क्या बचेगा, n n+1, चलो उसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, यहां पे n+1 का होल स्क्वायर आएगा ना, एक काम करते हैं अगर शुरू के टर्म से ले लेंगे सिंप्लीफाई, एक ही बात है, आप n+1 का होल स्क्वायर करो ये हो जाएगा n² + 2n + 1,
यहां से जब n कॉमन ले लिया तो ये दो टर्म बची है, दो टर्म को सिंप्लीफाई करो, 2n स्क्वायर अच्छा माइन प्लस 3n प्लस 1। यहां से जब आपने n कॉमन ले लिया था तो क्या होगा, 2n प्लस 2, यहां से n कॉमन ले लिया तो माइनस 1। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 1। अब वक्त आ गया है कैंसिल करने का, 2n स्क्वायर से माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल। अच्छा जी, ये n को 2n में ऐड करोगे 3n हो जाएगा, वो वाला 3n और ये वाला माइनस 3n, ये कैंसिल हो जाएंगे तो n भी आपस में कैंसिल हो गया। माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्लाह बेहतर करे यहां में बस एन क्यूब बच गया, तो एन को एन क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फोर। देखो बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला है, आप सीरीज जैसी भी मुश्किल सी हो उसके सम का फॉर्मूला कितना इजी, और मैंने कहा था वेरीफाई करेंगे, आप एन की जगह 2 पुट करो आंसर 16 आ रहा है, क्योंकि शुरू की दो टर्म का सम 16 है। अगर आपको शौक हो आप इसमें एन की जगह 3 पुट करना, तीसरी टर्म क्या आ रही होगी, तीसरी टर्म यहां पे 16 से 81 माइनस कर दो यार, तो तीसरी टर्म आ रही होगी 65 आ रही होगी शायद। तो शुरू की तीन टर्म का सम क्या होगा, शुरू की तीन टर्म का सम हो जाएगा 81। ठीक है, और यहां पे जब आप 3 पुट करोगे तो 3 की पावर 4 भी क्या होती है, 81 होती है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है ना उसमें जो आप n की वैल्यू पुट करते हो ना शुरू से लेके उतनी टर्म का सम आपके पास आ जाता है। तो बखैर बच्चों 8.2 वैसे बहुत छोटी एक्सरसाइज समझी जाती है, लेकिन मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पूरी कंप्लीट करवाई है। डिटेल में इसको देखो, मुझे नहीं लगता कोई सवाल आप लोगों का होगा, कोई गलती हुई तो मुझे मेंशन कर देना। अल्लाह हाफिज़।